हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर क्रूप पसावड़ा एंड आवर टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कॉन्ट्रीब्यूटरी निग्लिजेंस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो लेट अस चेक आउट इंट्रोडक्शन। एनी अनरिजनेबल कंडक्ट और एब्सेंस ऑफ ऑर्डिनरी केयर ऑन अ पार्ट ऑफ पेशेंट और हिज अटेंडेंट विच कंबाइंड विथ डॉक्टर्स निग्लिजेंस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इंजरी कंप्लेन, राइट? So there are two different negligence, one from patient side and one from doctor side. That is why it is called as contributory negligence, right? The injury would not have occurred without patient's negligence. अगर patient negligent नहीं रहता तो उनको जो injury हुई है वो नहीं होती। ये contributory negligence में बहुत ही important है। Examples देखेंगे, नॉट गिविंग करेक्ट हिस्ट्री टू डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर को करेक्ट हिस्ट्री नहीं देना, नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑफ डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर जो एडवाइस दे रहा है या तो फिर इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको सही तरीके से फॉलो नहीं करना, फेलियर टू अटेंड ट्रीटमेंट एट प्रिस्क्राइब टाइम एंड टेम्परिंग विथ वुंड ड्रेसिंग या तो फिर प्लास्टर एटसेट्रा। जो प्रिस्क्राइब टाइम है वहां पे ट्रीटमेंट नहीं लेना या तो फिर प्लास्टर कास्ट या तो फिर कुछ ड्रेसिंग किया है उसके साथ टेम्परिंग करना, लिविंग द हॉस्पिटल अगेंस्ट डॉक्टर्स एडवाइस, डॉक्टर की एडवाइस लिए बिना हॉस्पिटल छोड़ देना, एंड फेलियर टू टेक फर्दर असिस्टेंस। पेशेंट को जरूरत है, उसको डिजीज भी अगर परसिस्ट है तो उनको प्रॉपरली फॉलोअप लेना जरूरी है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स एडवाइस। अगर वो नहीं ले रहा है देन ऑल्सो इट इज निग्लिजेंस फ्रॉम पेशेंट साइड। लेट अस चेक आउट मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम डॉक्टर साइड। हियर द डिफेंडेंट मीन्स द डॉक्टर हैज टू प्रूव दैट प्लेंटिफ, यानी कि पेशेंट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर द इंजरी बिकॉज ऑफ वॉन्ट ऑफ केयर और रॉन्ग एक्ट। सो यहाँ पे डॉक्टर को ये एक जो है वो प्रूव करना पड़ेगा दैट यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन पेशेंट के साइड से भी है एंड देर विल बी इंजरी बिकॉज ऑफ वॉन्ट ऑफ केयर और रॉन्ग एक्ट। हियर प्लेंटिफ फेल्स टू टेक रीजनेबल केयर एंड कॉजेस हार्म। यहाँ पे जो रीजनेबल केयर लेना चाहिए वो पेशेंट्स ने यानी कि प्लेंटिफ ने नहीं लिया है एंड वो उसकी वजह से हार्म हुआ है। इफ दिस प्ली इज एक्सेप्टेड बाई कोर्ट, अगर ये जो अपील है, अगर ये जो प्ली है वो कोर्ट से एक्सेप्ट हो जाती है देन द डॉक्टर इज नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज कॉज्ड टू द पेशेंट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ये जो प्ली है वो एक्सेप्ट हो जाती है देन डॉक्टर विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज कॉज्ड टू द पेशेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक बेल आइकॉन एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो अमंगस्ट योर फ्रेंड्स। थैंक यू।